सोनाली फोगाट जी को गिरफ्तार किया जाए और साथी को न्याय मिले, और जब अगर हरियाणा सरकार ने ये नहीं किया तो इस आंदोलन को बड़े आंदोलन के रूप में भी सर्व कर्मचारी संघ लेके जाए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ICT मीडिया यूट्यूब न्यूज। साथियों, जैसे दिन प्रतिदिन एक न्यूज जो है, एक वीडियो वायरल हो रहा था कि यहाँ पे सोनाली फोगाट ने, जो टिकटॉक स्टार भी है, भाजपा की नेत्री भी है, उन्होंने एक कर्मचारी को थप्पड़ मारा था, उसके साथ में मार पिटाई किया था, उसको चप्पलों से पीटा था। तो ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो इसको लेकर के एक तरफ तो भाजपा अपनी तरफ इस भाजपा अभिनेत्री को बचा रही है, दूसरी तरफ पूरे हरियाणा के अंदर आंदोलन एक तरह से चला हुआ है। यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम पे। तो आज जो एक ज्ञापन दिया गया जिला उपायुक्त महोदय को, जो कर्मचारी है उनके माध्यम से, तो आइए देखते हैं। भाजपा की जो नेत्री है उसने अपने गुंडों से साथी को पिटवाया और दबाव में ला करके उसी के ऊपर उल्टा केस बनवाने की कोशिश की। पूरे प्रदेश या जिला मुख्यालयों को ज्ञापन दे रहा है कि सोनाली फोगाट को गिरफ्तार किया जाए और साथी को न्याय दिलाया जाए, उसके ऊपर दबाव बना करके उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसको वापस ली जाए। इसी क्रम में सर्व कर्मचारी संघ चंडीगढ़ की जिला बॉडी आपके बीच में आई है ज्ञापन देने की। मुख्यमंत्री जी के लिए आशा करेंगे कि हम इस ज्ञापन बिल्कुल बिल्कुल आपको ज्ञापन आगे तक जरूर जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी हम आगे इसके फॉरवर्ड करेंगे। ये जो कर्मचारी हमारे जो सेक्रेटरी साथी थे सुल्तान सिंह जी के साथ, एक बीजेपी की महिला नेत्री ने गलत व्यवहार किया, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। और यदि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, साथी को न्याय नहीं मिला, तो इसी प्रांगण को पूरे कर्मचारियों से भरने का भी हम विश्वास दिलाते हैं। सर, जो आज अपने ज्ञापन दिया है इस आधार पे दिया है, क्या मामला है? हम सर्व कर्मचारी संघ के साथी हैं जिला महेंद्रगढ़ से। तो जो हिसार में बालसमंद मंडी में जो साथी सुल्तान सिंह हैं सचिव मार्केट कमेटी के, उनके साथ भाजपा की एक नेत्री हैं सोनाली फोगाट जी, उन्होंने उनके साथ मारपीट की, उसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। उस वीडियो को देखते हुए ये लग रहा है कि साथी की कोई गलती नहीं है। भाजपा की जो नेत्री है उसने अपने गुंडों से साथी को पिटवाया और दबाव में ला करके उसी के ऊपर उल्टा केस बनवाने की कोशिश की जा रही है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया है और उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है कि उस साथी को न्याय मिले और भाजपा की जो नेत्री है उनको और उसके जो साथ जो गुंडे थे उनको गिरफ्तार किया। ये कब तक चाह रहे हैं आप कार्रवाई? उसके बाद में आपने आंदोलन के लिए भी बताया है, तो हमने ये कहा है कि सोनाली फोगाट जी को गिरफ्तार किया जाए और साथी को न्याय मिले, और जब अगर हरियाणा सरकार ने ये नहीं किया तो इस आंदोलन को बड़े आंदोलन के रूप में भी सर्व कर्मचारी संघ लेके जाए।
तो ये टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग सरकार के ऊपर है, जितना जल्दी सरकार उनको गिरफ्तार करती है, साथी को न्याय मिलता है, तब तक सर्व कर्मचारी संघ इस लड़ाई को जारी। तो ये जो आप आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या आप महेंद्रगढ़ नारनौल लेवल के ऊपर करने जा रहे हैं या पूरे हरियाणा? पूरे हरियाणा के अंदर, आज भी पूरे हरियाणा के सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर उपायुक्त महोदय के माध्यम से सर्व कर्मचारी संघ ज्ञापन सौंप रहा है। उसी कड़ी में हमने आज महेंद्रगढ़ में भी ज्ञापन सौंपा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद।